तो सुबह के बज रहे हैं 6 एंड यहाँ पे रेडी हो गए हैं शूट सेटअप. ओके तो करते हैं, पता नहीं कैसे होने वाला है बिकॉज रेडी तो मैंने कर दिया है पर वो कैसे रिएक्ट करेगी आई डोंट नो. जल्दी जल्दी लेते हैं क्योंकि बनाने जा रही हूँ मैं केक. बहुत सालों बाद, मतलब बहुत दिनों, साल के बाद बना रही हूँ, 1-1.5-2 साल के बाद. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. ये मैदा है, बटर है, अनसॉल्टेड वाला, एग्स है, दूध लगा तो टाइम पे डालेंगे. ये बेकिंग पाउडर लाना है तो फिलहाल के लिए पूरा प्रोसेस कर लेते हैं. मैदा, सो 1 कटोरी मैदा एंड 1 कटोरी शुगर, उसको पीस लेंगे. 1 कटोरी शुगर, 1 कटोरी ये वाला बटर, इसको मेल्ट कर लेंगे थोड़ा. तो यहाँ मेल्ट हो रहा है बटर. तो यहाँ फेंक लिया है मैंने एग. तो ये चला गया अंडा, इसमें अब जाएगा बटर. अब कर लेंगे इसको मिक्स. अभी बज रहे 4, मैंने लंच भी नहीं किया है. मम्मी आई है, मम्मी संभाल रही है तो मुझे इतना टाइम मिल गया. तो बस 15 मिनट्स में बन जाता है लाइक बैटर. फिर तो कुकर में चढ़ा दूँगी. कंसिस्टेंसी पहले देख लेती हूँ कैसी आ रही है. अगर दूध की ज़रूरत हुई तो डालना पड़ेगा. आई डोंट थिंक लगेगा दूध. तो यहाँ पे ग्रीस कर दिया एक बाउल बटर और मेल्टेड बटर डाला और उसके ऊपर मैदा, सो दैट चिपके ना. तो यहाँ पे ओवन भी रखा हुआ है बट कहाँ है, मुझे कुकर में बनाने की आदत हो गई है तो इसलिए हम मेकिंग इन कुकर. चलते हैं बेकिंग पाउडर लेने. तो ऐसे बांध लिया है मैंने, जाके देखते हैं पास वाली 2 शॉप्स हैं, होपफुली मिल जाए. ओह क्या धूप है. मिल गया है बेकिंग पाउडर. बेकिंग सोडा भी डालती हूँ मैं एक्चुअली, पर मम्मी बोल रही थी कि मैं नहीं डालती हूँ. तो ठीक है, बेकिंग सोडा नहीं डाल के देखती इस बार, क्योंकि घर पे अगर होगा तो ठीक है, अदरवाइज ऑप्शनल है, बेकिंग पाउडर से काम हो जाए. एंड यहाँ पे 1 चम्मच डालेंगे हम पाउडर. एंड बेबी बिल्कुल सो रही नहीं है, मम्मी उसको संभाल रही है जैसे जैसे मुझे फटाफट करके. तो यहाँ पे मिक्स करती हूँ, एक बार मम्मी को दिखा के लाती हूँ मैं. कंसिस्टेंसी इज ओके, ये देखो ऐसे कुछ दिख रहा है. डाल देंगे, ओ कुकर तो मैंने सेट ही नहीं किया. डालते हैं नमक, डाल के उसको थोड़ा प्री हीट कर लेंगे. मम्मी बोल रही है कि मंगा लेते, पर मुझे ही बहुत है इच्छा कि मैं बनाऊँ, हर बर्थडे पे बनाऊँ, मतलब हर मंथ के बर्थडे पे मैं हर मंथ क्या बोलती हूँ हर मंथ पे मैं बनाऊँ. सॉरी गाइस, क्या बोल रही हूँ मैं, पता है केक बनाऊँ. नींद नहीं हुई है एक्चुअली, बिल्कुल नहीं हो पाई मैं थोड़ी सी. अच्छा इसमें कुकर और सीटी तो लगाते नहीं है, बिना सीटी के थोड़ा प्री हीट कर लेते हैं. हाँ कंसिस्टेंसी तो अच्छी है, एक बार मम्मी को दिखा के लाती हूँ एंड देन उसको ये बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे. इसी 5 हो चुकी है मम्मी के द्वारा, तो अब जाता है ये इसमें. टाडा, ड्राई फ्रूट्स डालना है. ऐसे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ड्राई फ्रूट्स केक में, बिल्कुल नहीं, प्लेन केक ही मुझे पसंद है, पर सबको अच्छा लगता है तो मैं डाल लेती हूँ. ऐसे पैट करते हैं. ये बन गया है बैटर. जब बहुत दिनों बस किचन में जाते हैं तो ये हाल होता है. शिट, ओके तो इसको आप अभी मैंने खोल के देखा तो मैं दिखा देती हूँ.
और मैंने नाइफ भी डाल के देखा है, यस कुक हो गया। तो इसको मैं बंद कर देती हूँ फ्लेम को एंड थोड़ा ढक के इसे ब्राउन होने देती हूँ। सो आई एम रेडी, अभी प्रेयर करेंगे एंड बेबी इज ऑल्सो रेडी। आप पकड़ो ना, फोटो नहीं खींचा ना आपने, पहले दादी को देना। आओ आ जाओ मेरे को केक। अरे उसकी ना चाची अरे नहीं क्या चलो तो अभी खाना खा रही हूँ, एक भुर्जी दाल एंड रोटी। आज ये नहीं किया मैंने, क्रम्स नहीं बनाए हैं रोटी के, डायरेक्टली आई एम ईटिंग दैट। बहुत थक गई हूँ, नींद ही नहीं हुई आज बिल्कुल भी। थोड़ा सा मैं आधा घंटा सोई हूँ और सुबह एक घंटा सोई थी शायद, और रात में दो घंटा, बस बिल्कुल नहीं नींद हो रही है। तो आज का वीडियो यही तक रखते हैं, ब्लॉग यही तक रखते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय गाइस।